शाम को 8 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा और कल से जो सर्वे हुआ है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। टीम अपनी संख्या बढ़ाए घटाए टीम सर्वे कर रही है। अभी लगता है गुंबज पर पूरा सर्वे नहीं कर पाई है, वो गुंबज पर करेगी। तखानाओं में वृद्धि गति में सर्वे हो रही है। अभी ब्यासी के तखाने से मलबा कल तक नहीं हटा था, ईंट पत्थर बांस बल्ली इत्यादि पड़े हुए हैं, बिना उसको हटाए उनका फोटोग्राफ वीडियोग्राफी होना संभव नहीं है। लगता है वहाँ करेंगे। अंदर बहुत ज़्यादा मलबा है क्या? और तपानों की अपेक्षा गंदगी मलबा ज़्यादा भरा ही हुआ है, बहुत दिन का भरा हुआ है। और उसमें मैंने कह सकते हैं सांप बिच्छू जानवर का भी भय है, बिना मलबा हुए संभव हटना संभव नहीं है। बांस बल्ली प्राचीन भी हैं, लकड़ियाँ हैं पड़े हुए हैं, तो उसको अभी सफाई पूर्णता नहीं हो पाया है। देखिए हम इस बात करें तो अभी सपेरा या और कुछ बुलाने की जो बात होगी वो प्रशासन अपना समझे, जो प्रशासन खुद पार्टी है और प्रशासन वहाँ मौजूद रहती है, प्रशासन के अधिवक्ता मौजूद रहते हैं, मजिस्ट्रेट साहब खुद रहते हैं मौजूद रहते हैं, और मंदिर पक्ष के अधिवक्ता और कार्यपालक अधिकारी भी नेतृत्व कर रहे हैं, तो सपेरा बुलाना और उस चीज़ करना उनका जिम्मेदारी है। कल तो बहुत देर से शुरू हुआ था, आज जो है कल देर का कारण यह था कि हम लोगों को पहले बता दिया गया था सोमवार के दिन बाबा भक्तों की भीड़ की संख्या ज़्यादा थी, कंवारियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यह बताया गया था कि सर्वे 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन आज मंगलवार है इसलिए आज ऐसी कुछ बात नहीं, 8 बजे से शुरू होगी, 12:30 बजे समापन होगी, फिर अपराह्न 2:30 बजे से शुरू होकर के 5 बजे समापन होगी।